देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.3.5 इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ओके, जो डाई होती है ब्लैक इंक में, तो वो सिंगल कलर होती है क्या उसमें और भी कलर्स होते हैं? ओके, तो ये देखेंगे अपन इस टेक्निक से। ओके, तो इससे पहले के जो भी वीडियोस थे उसमें अपन हम लोग जो हैं चार जो है सेपरेशन टेक्निक्स थी कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में शायद सब्लिमेशन टेक्निक जो है अपन लोगों ने पढ़ी थी, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं ऑन आवर चैनल। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट सभी की बना दी है, चैप्टर्स वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो देखते हैं कैसे सेपरेट करेंगे डाई में से। ठीक है, डाई जो होती है वो ब्लैक इंक में सिंगल कलर होती है क्या, ये देखेंगे ना। तो एक्टिविटी 2.7 में करेंगे अपन, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर आपको लेना एक है ना, फिल्टर पेपर तो आप अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें एक्टिविटीज़ में फ़िल्टर पेपर का यूज बहुत किया है। तो फिल्टर पेपर आपको लेना है, ठीक। थिन अ ड्रॉ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो जैसे जैसे एक्टिविटी वैसी बोल रही है वैसे वैसे करना है। इस पेपर में आपने क्या किया, लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, ठीक है। ये जो है लाइन उसने पेंसिल से ड्रॉ कर दी, पेंसिल से ही ड्रॉ करना है ना, इंक से नहीं करना है। अब पुट अ स्मॉल इंक ऑफ इंक वाटर सॉल्यूबल दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इट ड्राई। तो फिर अब ये बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे इसके बिल्कुल बीचों बीच आपने एक लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन में बीचों बीच आपने क्या किया, उसमें इंक से पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये वाला यहाँ, ठीक है, बीचों बीच। तो ये करना है आपको, स्पॉट ऑफ इंक दिया गया है आपकी, उसमें भी सब कुछ दिया गया है, ठीक है, बुक में। तो देखेंगे, लोअर द फिल्टर पेपर इन टू अ जार ग्लास बीकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एज सोन इन फिगर 2.8b, लीव इट अनडिस्टर्ब। करना क्या है, अब आपने इस फिल्टर पेपर को यहाँ लगा दिया एक जार में जिसमें पानी भरा हुआ था, और बिल्कुल ऐसे ही उसको लटका दिया है ना, पूरा नहीं डाला है उसमें, पूरा है ना, थोड़ा सा वाटर है ना, थोड़ा सा उसको गीला किया है नीचे से बॉटम में, और उसी के जस्ट और जो इंक का स्पॉट था ना उसको तो आपको डालना ही नहीं है उसमें, उसको डुबोना नहीं है पानी में, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे इस तरीके से अपरेटस जो दिया गया है ऐसे ही करना है बिल्कुल, और लीव इट अनडिस्टर्ब, उसको अनडिस्टर्ब करने छोड़ देना है। धीरे धीरे क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है ना, कैपिलरीज बोलते हैं इसके, है ना, इसके थ्रू। तो वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो वाटर जो है आपका धीरे 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 पानी जो है उसके फिल्टर पेपर में ऊपर ऊपर चढ़ेगा, और पानी जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ेगा तो होता क्या है देखेंगे आंसर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट। तो आपने क्या देखा फिल्टर पेपर पर जब वो वाटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। आपने देखा फिल्टर पेपर पर, आपने केवल एक पेंसिल मार्क किया था लाइन ड्रॉ करके, और लाइन ड्रॉ करके लाइन के बीचों बीच एक स्पॉट इंक का डाल दिया था, मतलब लगा दिया था है ना, मार्क करके पॉइंट सा एक इंक से। तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग कलर्स फिल्टर पेपर पर देखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। तो क्या रीज़न हो सकता है, तो देखेंगे, द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट। तो आपने हम लोगों ने पढ़ा था पहले, इंक जो है वो मिक्सचर होती है, ठीक है, जिसमें डाई होती है, डाई मतलब कलर सब्सटेंस प्लस वाटर होता है, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट जानते हो, जो चीज़ कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट, ठीक है। तो डाई जो है वो सॉल्यूट होती है इंक के अंदर, और वाटर जो है आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं वो कि इंक में जो आपने देखा, वी यूज़ एज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट, है ना, और डाई जो है वो सॉल्यूबल इन इट, और वाटर के अंदर जो है वो डाई कलर सब्सटेंस होता है वो घुला हुआ होता है, इसी से बन के जो है आपकी इंक बनती है। तो एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे वाटर जो आपका ऊपर उठता है, राइजेज अप एक बार होता है, ठीक है, तो उसके जो अंदर के इंक के अंदर के जो डाई होती हैं, जो कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, डाई पार्टिकल्स होती हैं, वो ऊपर उठने लगते हैं। और वो भी कैसे, अलग अलग फॉर्म में, जैसे अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। तो डाई जो है वो या तो एक कलर सिंगल कलर की हो सकती है ना, सिंगल कलर, और या फिर टू और मोर कलर्स की भी हो सकती है,
ठीक है, उसमें दो या दो से अधिक कलर्स को आपने ये भी पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक कलर मिलके जो है एक कलर बनता है। ओके, तो इस टाइप से हो जाता है वो। और जो ऐसे कलर मेकिंग जो मतलब जो भी कलर्स जैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्स होता है ना, दो या दो से अधिक कलर्स को आप मिला के जो है एक सिंगल नया कलर, न्यू कलर आपको मिलता है, तो ये भी जो है आपको पता होगा। ओके, और अगर नहीं पता है तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो, तो मैं इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक इट क्लियर, है ना, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो बता दूंगा, ठीक है, उसको अलग से। तो द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। अब होता ये है कि जैसे ही कलर्ड कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है, अब डाई के अंदर दो या दो से अधिक कलर्स होंगे, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सेम वो सभी कलर्स जो हैं वाटर के साथ एक साथ ही उठेंगे, एक साथ ही चलेंगे। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जो बिल्कुल जल्दी घुल जाएगा वाटर के साथ में, वो तेज़ी से ऊपर उठेगा, ठीक है, राइजेस फास्टर देन अदर्स, ठीक है। तो इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, इससे जो है कलर्स जो है आपके सेपरेट हो जाते हैं। जो जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर उठ जाएगा और तेज़ी से ऊपर उठ जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, यहाँ देखेंगे आप ऊपर उठते चला जाएगा, ऊपर उठते चला जाएगा, ठीक है। और जो बाकी के होंगे वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो है स्पीड से, धीमी धीमी स्पीड से ऊपर उठेंगे, ठीक है, उठेंगे तो वो भी सॉल्युबल होंगे तो। ओके, तो पानी जो उनको अपने साथ लेकर चलता है। अब देखेंगे दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, तो ये इस टर्म को आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इस प्रोसेस को ही सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अलग अलग जो है सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ऐसे सॉल्यूट, ठीक है, वो सेपरेट आउट करते हैं अपन उनको, है ना, थ्रू दिस प्रोसेस, तो इसी को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ओके, और क्रोमा मीन्स जो होता है ग्रीक में, उसका मतलब भी कलर होता है, ठीक है। और दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, ठीक, और ये जरूर और ये जो है यूज हुई थी सबसे पहले, ये जो टेक्निक थी वो सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए यूज हुई थी, सो दिस नेम वॉज गिवन। क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो मैंने बताया क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज अपन करते हैं ऐसे सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए, ऐसे सॉल्यूट्स जो होते हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो कि सेम सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व है। मतलब सेम सॉल्वेंट कैसे, वाटर सेम सॉल्वेंट होगा ना। वाटर के अंदर आप देखेंगे डाई मिली हुई है ना, सॉल्वेंट तो सेम ही है ना, वाटर तो सेम ही है ना, लेकिन उसमें जो सॉल्यूट डाला आपने, मतलब जो सॉल्यूट है डाई जो है, वो अलग अलग कलर्स की हो सकती है ना, तो उनके कलर्स को सेपरेट आउट करना, तो यही तो क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है, ठीक है। तो यही लिखा गया है, दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ओके, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूयर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। और अभी जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आ गई हैं और क्रोमेटोग्राफी जो है डेवलप हुई है। और यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, हायर क्लासेस में और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लो जो आपके चैप्टर्स में दिया है। ओके, काफ़ी है, मोर देन इनफ है। एप्लीकेशंस, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, टू सेपरेट कलर्स इन डाई, ठीक है, एक कोई डाई है, अच्छा नेचुरल डाई भी आती हैं। ओके, तो उनमें से आपको कलर्स जो है कैसे आप सेपरेट करें, कैसे गेट करें, ऑप्टेन करें, तो इसलिए भी यूज होता है क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस का। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ठीक है, तो पिगमेंट्स वही लवक जिन्हें बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स, है ना, और कई सारे जो कलर्स होते ये नेचुरल कलर्स से जो है सेपरेट आउट किया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ओके, तो ब्लड भी जो है वो भी मिक्सचर है, वाटर भी तो होता है ना ब्लड में, वाटर एंड RBCs वगैरह, तो ये जो है इसमें से भी जो है आप ड्रग्स कैसे निकालें, तो वो भी जो है आपके सेपरेट आउट हो जाते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, क्रोमेटोग्राफी से, ठीक, तो इसके एप्लीकेशंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता देना, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो देखेंगे बेटा, ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा हो गया है, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो ये जो है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, इनको कैसे सेपरेट आउट करें, है ना। इमिसिबल लिक्विड्स का तो अपन पढ़ चुके थे, उनको सेपरेटिंग फनल से जो है आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट आउट किया था अपन ने पढ़ा था, है ना, इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो ये वाला टॉपिक जो है, टू मिसिबल लिक्विड्स, अगर कोई लिक्विड्स घुल जाते हैं तो उनको आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे,
तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो अपन इसे कंप्लीट करेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, ओके। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है ना अपनी अकाउंट के इंस्टा आईडी की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल टू द नीडी स्टूडेंट्स, एंड कमेंट आल्सो करें, कमेंट भी करें, फीडबैक जरूर दें अपना, है ना, कि इससे हमें पता चलता है हमारे वीडियोज़ कैसे बन रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप एनी टाइम कभी भी 24/7 कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल मेक इट क्लियर, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।